हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों 2024 के अंदर आप सभी के लिए एक और ऑफिशियली नोटिफिकेशन नर्सिंग ऑफिसर के लिए यहां पर जारी कर दी गई, यानी कि जितनी भी उम्मीदवारों को एक परमानेंट वैकेंसी का इंतजार था, ऑल ओवर स्टेट के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं, पर मेजोरिटी जो है वो यहाँ पर उस स्टेट के उम्मीदवारों को ज़्यादा दी जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी कैंडिडेट स्टाफ नर्सिंग की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, तो यहाँ पर आप सभी के लिए नर्सिंग ऑफिसर की एक और वैकेंसी आ चुकी है, यानी कि आप सभी के नॉन टीचिंग पोस्ट के अंदर वेरियस पोस्ट निकाले गए हैं, पर अगर आप नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, परमानेंट वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली दोस्तों आप सभी के लिए अच्छी खासी वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ यहाँ पर पोस्ट होने वाले हैं, साथ ही इसके अंदर विदाउट एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर आप सभी एक रेपुटेटेड यहाँ पर जो है हॉस्पिटल्स के अंदर आप सभी के पास एक्सपीरियंस है, तो मेजोरिटी जो है वो ज़्यादा क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस उम्मीदवारों को इस वैकेंसी के अंदर दी जाएगी। तो इसके अंदर सारी डिटेल मैं आप सभी को देने वाला हूँ, ये नोटिफिकेशन कहाँ से पब्लिश हुआ है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी कैटेगरियाँ रहने वाली है, साथ ही जो पे लेवल मिलेगा वो 7वें लेवल पर आप सभी को पे स्केल मिलेगा, और इसमें ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट को यहाँ पर जो है कुछ अलग से बेनिफिट भी यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो उसके बारे में भी सारी डिटेल मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। इसका लिंक जो है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन पर दे दिया है, वहाँ से जाकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों वहीं से अगर आप इस कैंडिडेट यानी कि जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड है वो यहाँ पर जाकर अप्लाई भी कर सकता है। साथ ही अगर बात करते हैं तो अप्लाई की जो लिंक है वो एक्टिवेट हो गई है, जल्द से जल्द जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो इसके अंदर अप्लाई करे और नर्सिंग ऑफिसर की परमानेंट वैकेंसी का ये मौका उन उम्मीदवारों को बिल्कुल ही ना छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो संविदा से हटकर परमानेंट पर आना चाहते हैं। दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप देते हैं, और साथ ही नर्सिंग भर्ती के हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल स्टडी जोन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नर्सिंग भर्ती से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आप सभी को टाइम टू टाइम हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से दी जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों नोटिफिकेशन की बात करें, तो नोटिफिकेशन दोस्तों यहाँ पर पंजाब केंद्र विश्वविद्यालय से यहाँ पर यह सूचना यहाँ पर आ चुकी है, यह नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि इसमें वेरियस पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है आप सभी के पोजीशन निकाले गए हैं। कई सारे यहाँ पर जो है रेगुलर टीचिंग के लिए निकाले गए हैं, रेगुलर नॉन टीचिंग के लिए निकाले गए हैं, अदर एकेडमी पोस्ट के लिए निकाले गए हैं, और यहाँ पर जो है ऑन ड्यूटेशन के लिए निकाले गए हैं, यानी कि वेरियस पोस्ट निकाले गए हैं। पर हमारा जो मेन फोकस है दोस्तों यहाँ पर स्टाफ नर्सिंग पोस्ट के लिए, यानी कि जो आप सभी के पे लेवल है वो 7 पे लेवल पर ही आप सभी को सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। टोटल पोस्ट क्या रहने वाले हैं, ओबीसी यूसी यहाँ पर जो एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस को क्या पोस्ट है उसके बारे में सारी डिटेल बात करते हैं। तो सबसे पहले 10वें नंबर की पोस्ट है जो हमारी पोस्ट है, यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की 10वें नंबर की पोस्ट है, यानी कि जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं वो इसके अंदर काफ़ी सारी वैकेंसियाँ हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के इंतजार करेंगे, तो उसके अंदर अगर आप देखते हैं तो आप सभी को 7वें लेवल पर यहाँ पर जो है सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, 44,900 आप सभी को यहाँ पर इसके अंदर सैलरी दी जाएगी। अगर पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल पोस्ट की इसकी इस वैकेंसी के अंदर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो एक पोस्ट है और एक पोस्ट जो निकाली गई है वो यूआर कैटेगरी के लिए निकाल सकते हैं, यानी कि अदर कैंडिडेट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं ओबीसी एससी, पर सभी उम्मीदवारों को जनरल कैटेगरी के अंदर फाइट करना होगा, तभी इसके अंदर आप एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आप सच्ची के आरक्षण के विरुद्ध यानी कि जो एससी एसटी कैंडिडेट के लिए भरें तो वो कैंडिडेट इसके लिए बिल्कुल ही ना एलिजिबल होंगे, आप सभी को इन पोस्टों के लिए ओबीसी कैटेगरी के अंदर ही यहाँ पर जो है आना पड़ेगा। यूआर कैटेगरी के अंदर यहाँ पर जो है एक पोस्ट ही दोस्तों यहाँ पर निकाले गए हैं, इसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं वो कैंडिडेट बिल्कुल ही अप्लाई करें। और साथ ही दोस्तों इसमें अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप सभी को कुछ बेनिफिट भी इन वैकेंसियों के अंदर मिलने वाला है अगर इसके अंदर आप अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर यहाँ पर फिर बात कर लेते हैं कि इस वैकेंसी के अंदर यहाँ पर जो है आप सभी की जो लास्ट डेट है वो 4/12/2024 तक लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। साथ ही आप सभी की जो रिटन टेस्ट है वो 10/12/2024 से स्टार्ट हो जाएगी, और सबसे पहले आप सभी का जो रिटन टेस्ट है वो कैसे होगा उसके बारे में भी डिटेल दी गई है। आप सभी को अप्लाई करना है अप्लीकेशन ऑनलाइन के माध्यम से, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.cup.edu.in पर जाकर आपको अप्लाई करना है।
साथ ही अगर आप हार्ड कॉपी सेंड करते हैं तो आप सभी के फॉर्म को यहाँ पर जो है पूरे तरह से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इन्होंने साफ साफ यहाँ पर जो है मेंशन किया हुआ है दोस्तों। अगर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि प्लीज़ डू नॉट सेंड हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। यानी कि दोस्तों अगर आप हार्ड कॉपी भेजते हैं तो आप सभी के फॉर्म को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर इन्होंने यह बता चुका है, इन्होंने एड्रेस भी मेंशन किया हुआ है पूरे साफ साफ तरीका से। साथ ही अगर नीचे आते हैं, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो अगर 10वें नंबर के हमारी जो पोस्ट है उसके अंदर आप सभी की एलिजिबिलिटी कैटेगरी क्या रहने वाली है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो आप सभी की एलिजिबिलिटी कैटेगरी रहने वाली है यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले आप सभी को ग्रुप बी के अंदर यहाँ पर जो है नॉन टीचिंग की पोस्ट दी जा रही है, जिसके कारण जो पे लेवल है वो 44,900 दी जाएगी। एज जो लिमिट रखी गई है वो 35 साल तक रखी गई है। अगर आप सभी के आपने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से किया हुआ है और आप सभी के पास इंडियन नर्सिंग काउंसलर से या स्टेट नर्सिंग काउंसलर से रजिस्ट्रेशन है तो वैलिड है। और साथ ही आप सभी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए नर्सिंग के अंदर, और वो भी दोस्तों कोई भी हॉस्पिटल से नहीं, रेपुटेटेड जिनकी मान्यता प्राप्त हो वही कैंडिडेट, यानी कि जो हॉस्पिटल वही कैंडिडेट जो उनके एक्सपीरियंस मांगे जाएंगे। वरना अगर कोई भी विदाउट यहाँ पर जो है अमान्य हॉस्पिटल होगी उनकी जो है एक्सपीरियंस नहीं मानी जाएगी। इसलिए रेपुटेटेड हॉस्पिटल में ही जो कैंडिडेट वर्क कर रहे हैं अगर वो कैंडिडेट उनके पास एक्सपीरियंस है तो उनके वहाँ पर वो एक्सपीरियंस उनके लिए वैलिड होगा, अदर कोई भी एक्सपीरियंस उनके लिए वैलिड नहीं होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आप सभी अगर नीचे आते हैं स्क्रॉल डाउन कर तो आप सभी के 3 या 4 फेज़ के अंदर यहाँ पर जो है एग्ज़ाम कंडक्टिंग कराए जाएंगे, जिसमें कि यहाँ पर आप देखते हैं कि हर एक सिलेबस के बारे में कैसे कैसे कंडक्शन होगा वो भी यहाँ पर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो एग्जामिनेशन होगा वो 2 पेपर होगा। साथ ही आप सभी के जो आप सभी का लैंग्वेज होगा वो यहाँ पर पोस्ट के लिए इंग्लिश और यहाँ पर जो है हिंदी भी होगा, दोनों होगा। तो इसी तरह से अगर यहाँ पर अगर नीचे आप जाते हैं तो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर 10वें नंबर की आप सभी की 9वें नंबर की पोस्ट है तो सबसे पहले आप सभी का 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का ड्यूरेशन होगा जिसमें कि 100 MCQ होंगे। साथ ही जो एक क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर होगा, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और 50% जो आप सभी का है वो आप सभी के कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक साइंस और हिंदी और लैंग्वेज से आएंगे। और जो 50% है वो मैथमेटिक्स जनरल MCQ जो आप सभी के नर्सिंग भर्ती से रिलेटेड में आएंगे। 2 फेज़ के अंदर आप सभी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर आप सभी के यहाँ पर जारी कर दी जाएगी। तो फाइनली दोस्तों मैंने सारी डिटेल जो है इस वैकेंसी के अंदर दे दी है। अगर किसी भी कैंडिडेट को कोई भी क्यूरीज है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही अप्लाई का जो लिंक है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन पर दे दिया है, वहां से जाकर जो है आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट नर्सिंग ऑफिसर के या एक पोस्ट के लिए एलिजिबल है या इंटरेस्टेड है वो जाकर इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो दोस्तों ये एक परमानेंट वैकेंसी आप सभी के लिए होने वाली है। और जो आप सभी को यानी कि जो जॉब सेंटर होगा वो आप सभी के पंजाब के किसी भी स्टेट के अंदर यहाँ पर दिया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड है वो जाकर अप्लाई कर सकता है। इसका लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। और आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।